खबरों की नई पहचान। धनबाद पुलिस ने आनंद वर्मा हत्याकांड का उद्भेदन कर लिया है। पुलिस हत्यारे टोमा भुइया को गिरफ्तार कर ली है। एसएसपी संजय कुमार ने अपने कार्यालय कच्छ में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आनंद वर्मा की हत्या उसके दो दोस्तों ने मिलकर की थी। हत्या के बाद शव को बन खदान में फेंक दिया था। पुलिस अनुसंधान में 3 अप्रैल को अलगडीहा ओपी अंतर्गत ईस्ट बरारी सेठ कोठी में पनपड़े खदान में बरामद हुआ था 1100 कंकाल, जिसकी पहचान आनंद वर्मा के रूप में हुई थी। इक्कीस मार्च को आनंद वर्मा नामक व्यक्ति अपने घर से बाहर निकला था। उसके बाद वो कई दिनों तक जब घर वापस नहीं आया तो उसके घर वालों ने थाने में रिपोर्ट लिखाई। उसके मिसिंग का रिपोर्ट हम लोगों ने दर्ज किया। बाद में 3 तारीख को एक लाश हम लोगों को अज्ञात के रूप में बरामद किए। हम लोग जो एक पुराना कोयले का खदान था उसके काफ़ी अंदर, करीब 15 फीट अंदर से एक सड़ी गली हालत में एक लाश हम लोगों ने बरामद किया। उसमें जब उसकी जांच की गई और उसके, क्योंकि पाँव में उसका एक रॉड लगा हुआ था और उसके कपड़ों से भी हम लोगों ने फिर उसकी पहचान आनंद वर्मा के रूप में हुई, जो 21 तारीख को गायब हुआ था। बाद में जब इसका अनुसंधान में ये बात प्रकाश में आई कि इसकी हत्या जो है वो कुल 2 लोगों ने मिलकर किया है, जिसमें एक डोमा भुइया, जो अभी आप लोगों के सामने जिसको हम लोगों ने दिखाया, और दूसरा सूरज भुइया। सूरज भुइया है ये 31 तारीख को इसने आत्महत्या कर लिया था। जो बात अनुसंधान में जो बात सामने आई है कि ये लोग तीनों दोस्त थे। डोमा भुइया जो है, जो पकड़ा गया है, इसने इसको बुलाया था और ये उसके साथ गया था। ये लोग रात में कुछ लोग प्रयास किया कहीं कोयला वेला चोरी करने का, जिसमें सफल नहीं हो पाया। बाद में ये कहीं आकर के ड्रग्स वगैरह भी लेता था, तो जो डेंड्राइट वगैरह वो कहीं ले रहा था, जिसमें ये लोग आकर के, फिर जब ये लोग दूर से ये लोग उसके पास गए, बोले क्या कर रहा है, तो दोनों के बीच गाली गलौज भी शुरुआती दौर में दोस्ती के क्रम में ही गाली गलौज हुई, लेकिन बाद में वो सीरियस हो गया। तो वो, क्योंकि वो ड्रग के हालत में था, इंटॉक्सिकेटेड था, तो उसने फिर इसके इन लोगों के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। तो उसी में एक पत्थर ला करके इन लोगों ने उसके सर पे मार दिया। वो जब गिर गया तो इन लोगों को फिर डर लग गया कि मतलब इसको फिर क्या किया जाए। तो पहले इन लोगों ने उस लाश को ऊपर से नीचे खदान में फेंक दिया। बाद में लगा कि हम लोग पकड़े जाएंगे, तो डर के मारे फिर लोग उस खदान में, जो एक छोटा सा रैट होल था उसमें करीब 15 फीट अंदर, उसको ले गए और वहाँ पर लाश को छुपा दिया। इसलिए लाश का कुछ पता नहीं चल पाया। ये बात जब सामने आई कि जब बाद में जो सूरज भुइया था, क्योंकि वो दोस्त ही था, तो उसको एक घर में वो अपनी बात, इस बात को कुछ लोगों से शेयर किया। बाद में घर वालों ने कहा कि हत्या तुम लोगों ने किया तो तुम समझो, तो फिर वो आउट ऑफ गिल्ट, जो पता चल रहा है, उसने फिर आत्महत्या कर ली और डोमा भुइया भागकर अयोध्या चला गया था।